अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं लाहौरी चिकन बनाने। तो आप उसके मसाले देख लें। ये हमारे पास 700 ग्राम चिकन है, ये 4 प्याज है मीडियम साइज़ की, और ये कुछ गरम मसाले हैं, देख लें। अरे वही जो कॉमन गरम मसाले पड़ते हैं वही है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, ठीक है। और ये 4 टमाटर है, इसकी हम प्यूरी बनाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ी शाइन वाला उसकी ग्रेवी रहती है ना थोड़ा ये। और ये है हमारे पास पिसा हुआ मिर्चा, ये धनिया, ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा, और ये है हमारा नमक। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ऐसे हमने ये तेल डाला है, तेल हमारा हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। पहले हम गरम मसाले इसमें डालेंगे थोड़े, और इनको छटकने से पहले ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। चारों प्याज हमने डाल दी, और जो हमारे पास टमाटर है उसकी हम प्यूरी बना लेंगे, प्यूरी बना के डालेंगे। और जब तक हमारी प्याज गोल्डन होएगी तब तक हम इसमें चिकन नहीं डालेंगे, इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि मेरी प्याज गोल्डन हो जाए। नस होती है इसको हम काट देंगे चिकन के लेग पीस में, ये जो नस होती है इससे ये होता है कि नस जब खींचती है ना तो चिकन टेढ़ा हो जाता है, इसलिए टेंडर को इसको हम काट देंगे। तो हमारा जो चिकन है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, सही रहेगा। इसको काटना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब इसको हम फ्राई करें या फ्राई चिकन का कोई डिश बनाए तो इस टेंडर को हम ज़रूर काट दें, इससे हमारा चिकन टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, जो ऐड जाता है खिंच जाता है वो चीज़ नहीं होगी। इसकी नस को ज़्यादा ही मोटी है, इसको काटने में थोड़ी हमें दिक्कत आ रही है, लेकिन कट गई। ये देखें, ये हमने काट दिया इसको, ये अलग हो गई, अब हमारा चिकन टेढ़ा नहीं होगा। ये देखिए हमारी प्याज हमारी हो चुकी है गोल्डन, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम चिकन डाल रहे हैं, और अब चिकन में अभी हम फिलहाल कोई मसाले नहीं डालेंगे, सिर्फ इसको हम इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि थोड़ा गोल्डन ना हो जाए, उस वक्त तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। और जो हमने टमाटर लिए हैं उनकी हम प्यूरी बना लेंगे। अब इसको फ्राई होने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे, तब इसका गोल्डन कलर आएगा। देखिए हमने चिकन इसमें डाल दिया है, अब इसी हमें थोड़ा तेल इसलिए बढ़ा के इसमें डालना पड़ता है क्योंकि चिकन भी इसी में फ्राई होता है, फिर इसी में मसाले पड़ जाते हैं इसलिए। तो आप देखें, अब चिकन को हमारे भूनने में कम से कम 10 मिनट और फुल आँच पे हम भूनेंगे, और इसको चलाते रहेंगे, एकदम छोड़ नहीं देंगे, नहीं नीचे से थोड़ा जल जाएगा। तो इसको जलाना नहीं है, इसलिए हमको अच्छे से फ्राई करना है, और जो ये प्याज की मिठास है ये इसके अंदर भून जाएगी, खुशबू इसमें बहुत अच्छे से आ जाएगी। जो है गाइस, देखें आप, हमारा जो है ये चिकन फ्राई हो चुका है अच्छे से, अब हम इसमें मसाले ऐड करने जा रहे हैं। ये क्या है मेरा अदरक लहसुन, ये इसमें हम डाल रहे हैं नमक, ये देखें टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये हमने डाला इसमें धनिया पाउडर, ये देखें खुशबू अच्छी आ जाती है धनिया से, और थोड़ा सा ग्रेवी जो है थिक हो जाती है, बस यही काम है समझ लीजिए धनिया का। और ये इसमें पड़ गया मिर्च हमारा, मिर्च थोड़ा सा तेज़ रखेंगे ताकि चटपटा हो, चिकन लाहौरी है ना इसलिए। अब हम इसको थोड़ी देर फिर भूनेंगे जब तक कि अदरक और लहसुन की इसमें ना चली जाए। फिर इसके बाद अगला स्टेप होगा, इसको डाल करके अब थोड़ी देर पकने देंगे, इसको ढक देंगे थोड़ा सा ताकि अदरक लहसुन की जो खुशबू है वो इसमें भीग जाए। मेरा चिकन बहुत अच्छे से भून चुका है, पक चुका है, समझ लीजिए 75% गल भी चुका है। अब हम इसमें प्यूरी डालेंगे अपनी,
बस अब रेडी है। प्यूरी डालने के बाद बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा हम पानी इसको हल्का सा भून के पानी हल्का सा डालेंगे, जितनी हमें ग्रेवी हल्की सी रखनी है ना, सलसला तो रहेगा ही, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे। बस अब ये थोड़ी देर पकेगा और हमारा चिकन लाहौरी तैयार है समझ लीजिए। बस अब ये गलेगा और हल्का सा ग्रेवी वाला रहेगा, फिर इसमें सारे पीसेज उसमें मसाले में लिपटे रहें, बहुत ज़्यादा सलसला नहीं होगा। देखिए आप, देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितना रिच इसकी ग्रेवी लग रही है, इतनी शाइनी, कितनी ब्यूटीफुल। ये देखिए बस हमने इतना पानी डाल दिया है, अब इसको 5 मिनट 7 मिनट की ग्रेवी अच्छे से पक जाए बस इतनी देर के लिए ढक देंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं तैयार चिकन लाहौरी। ये देखिए गाइस, मेरा चिकन लाहौरी तैयार हो गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लाहौरी चिकन लाहौरी हमारा तैयार हो गया है, ये देखिए देखिए, अब आप लोग इसे बनाइए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमको बताइए कि ये कैसा लगा आप लोगों को।